हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी एक भिंडी पनीर की सब्जी बना रही हूँ। बहुत ही आसानी से घर पे बन जाती है और कोई भी गेस्ट आए तो ये झटपट बनाकर सभी गेस्ट को खुश कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम भिंडी ली है, 2 प्याज है जिसको चॉप किया हुआ है, 3 टमाटर है, 100 ग्राम पनीर है, 1 बड़ा चम्मच घर के दूध की मलाई है, दही है 2 बड़े चम्मच, धनिया है और रूटीन के घर के सारे मसाले हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 4 से 5 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा है। अब इसमें हम ये हमारी जो भिंडी है वो डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम सारा तेल कोट हो जाए इस तरह से मिक्स करना है और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जब हम भिंडी खाएं तो नमक का टेस्ट आए, फिक्की ना लगे। इसलिए देखिए इस तरह से सब कुछ मिक्स हो गया है, तेल और नमक। इसको तेज आंच पे ही ऐसे हिलाते रहना है और पकाना है जब तक हमारी भिंडी पूरी तरह से पक न जाए तब तक। देखिए इस तरह से तेज आंच पे मैंने सारी भिंडी को पका लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में 4 से 5 चम्मच में तेल डालती हूँ। अभी और इसमें हम पनीर को सौते कर लेंगे। देखिए इस तरह से सारा पनीर फ्राई हो गया है। अब इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हमारा तेल बचा हुआ है उसमें हम 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा क्रैकल होना शुरू हो जाए फिर बाद में ये 2 बड़ी चम्मच बड़ी प्याज ली थी वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से सौते करेंगे। तब तक सौते करना है जब तक हमारा ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक। देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें ये 4 से 5 जो हरी मिर्च है वो मैंने चॉप कर ली थी वो डालती हूँ अभी इसमें, और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाला है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें लहसुन और लाल मिर्च की जो चटनी है वो मैं डालती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसमें ये जो 3 टमाटर लिए थे बड़े वो अभी मैं इसमें डालती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से पक जाए। अब इसको ढक्कन लगा के धीमी आंच करके 5 से 7 मिनट तक, जब तक टमाटर पक जाए तब तक रखना है। देखिए अभी ये टमाटर आधे पक गए हैं। अब इसमें हम
सारे मसाले कर लेंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। भिंडी पकाते समय भी हमने नमक डाला था और टमाटर पकाते समय भी नमक डाला था, तो थोड़ा ध्यान से नमक डालेंगे। दो छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 5 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 6 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालती हूँ। और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब इसको सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसको ढक्कन लगा के और 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए सारे मसाले अभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं और हमारे टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे। ये मैंने कस्तूरी मेथी 1 चम्मच ली है, उसको हाथों से रगड़ के ऐसे डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। ये जो 1 बड़ी चम्मच मलाई ली थी मैंने, वो अभी इसमें डालती हूँ। और 1 चम्मच बड़ी वाली ये दही डाला है अभी मैंने इसमें। अब इसको सारा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें जो हमने पनीर को फ्राई किया था वो अभी मैं डालूंगी। पनीर को फ्राई किया हुआ डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो फ्राई की हुई भिंडी थी वो डालेंगे। अब इस सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। ये 1 बड़ी चम्मच धनिया लिया है, वो डालती हूँ अभी मैं इसमें। हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि हमारी भिंडी और पनीर टूट न जाए। अब इसको 5 से 7 मिनट तक ढक के पकाना है। देखिए सारा मसाला मिक्स हो गया है, हमारा तेल भी बाहर निकल आया है। अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया है। इसको आप चपाती, पूरी, रोटी, नान सबके साथ सर्व कर सकते हैं। अभी मैं इसको सर्व करूंगी। देखिए अभी ये हमारी पनीर भिंडी मसाला तैयार है। इसको मैंने रोटी के साथ सर्व किया है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।